मैंने खुला चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी को, आइए मधुबनी में स्वागत करूंगा। आए मधुबनी में, पूरे बिहार में दौरा किया, लेकिन मधुबनी में नरेंद्र मोदी की हिम्मत पड़ी। नरेंद्र मोदी तो है ही नहीं, कुछ आगे ना अपना पीछे पगा, तो उसको तो अग्नि देने वाला भी कोई नहीं है। अगली बार 2025 के अंदर भारतीय मित्र पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इंद्रजीत महतो रहेगा। अंतिम मौका तो उनको अब कवर में जाने का टाइम हो गया है, वहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। शर्माना चाहिए नीतीश कुमार को ये लफ्ज, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य में क्यों आ गया? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कड़ा मुकाबला होगा, लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। बीएसपी विधानसभा जो है वो काफी हॉटसूट है। खुद हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीमो धनेश्वर महतो जी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर 15 सालों से जो बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का विजय, लगातार नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार विकास के पथ पर है, लेकिन क्या वाकई में बिहार से बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाई? लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। धनेश्वर जी, जो ये विधानसभा है वो काफ़ी हॉट सीट है, जो वर्तमान विधायक है वो राजद के, आपको लगता है कि विधायक बने लेकिन जो समस्या दूर होनी चाहिए थी वो आज तक हो पाई? ये तो बीएसपी की जनता बेहतर जानती है और वो बेहतर आपको उत्तर दे चुकी है माननीय फैयाज अहमद साहब को। शायद जितना बेइज्जती बीएसपी की जनता ने उनको किया है, मैं समझता हूँ कुछ शर्म लिहाज होता तो चुनाव नहीं लड़ते यहाँ से। लेकिन नेता सब जरासल बेशर्मी का ताज पहने हुए होते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है, तो विकास के मामले में नीति आयोग ने क्यों सबसे फिसड्डी राज्य का दर्जा दिया है? वो तो सरकारी एजेंसी है, वो कोई नेता का एजेंसी तो नहीं है। शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी, रोजगार के मामले में सबसे फिसड्डी, क्या कहते हैं स्वास्थ्य के मामले में सबसे फिसड्डी, ये तो सरकारी आंकड़ा है। क्राइम के मामले में नंबर वन, तो क्या है? शर्माना चाहिए नीतीश कुमार को ये लफ्ज, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य में क्यों आ गया? तेजस्वी मांगे बदलाव नारा दिए। अरे बाप कुछ नहीं कर सका तो बेटा क्या झुंझुना बजाएगा? बाप था तो बिहार के सारे उद्योग बंद कर दिए। यहीं पे रैयाम चीनी मिल है जो है कई, हाँ देखा होगा आपने, ईंट भी यहाँ की खत्म हो गई। बार चुनाव के समय बोला गया कि खोलेंगे। हाँ नीतीश कुमार यहाँ भाषण झाड़ के कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे। सुशील कुमार मोदी, हुकुमदेव, रामदेव महतो, मतलब तमाम बिहार के नेता आके यहाँ भाषण झाड़ के जा चुके हैं, जनता को बेकूफ बना के जा चुके हैं, और जनता अब जुमलों पे नहीं काम पे मत करेगी। देखिए एक चीज़ और है, हम यहाँ से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास आए तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पटना से आए, कई लोगों से हम बात किए, तो इस बार इंद्रजीत जी पे लोगों का भरोसा है। लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा चाहिए, क्योंकि चेहरा देखते देखते तंग आ गए हैं लोग, काम कुछ नहीं हो पाया। हुकुमदेव जी की बात करिएगा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कई बार यहाँ से सांसद भी हुए हैं, जब चार बार से सांसद रहे, जनता भरोसा, बेटा को प्रेजेंट कर दिए, तो आपको नहीं लगता पूरी तरह से परिवारवाद है? सांसद भी कुछ नहीं कर पाए और फैजल जी का तो भगवान भरोसे। देखिए राजनीति की ऐसी चीज है ना कि हर नेता एक दूसरे नेता को गाली देने का काम करता है, लेकिन अपनी गिरेबान में वो कभी झांक के नहीं देखता कि मेरा क्या चरित्र है, मेरा क्या करैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को कोसती है परिवारवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी आप उठा के इतिहास देख लो तो कौन सा नेता जो बाल बच्चेदार है, जैसे नरेंद्र मोदी तो है ही नहीं, कुछ आगे ना अपना पीछे पगा, तो उसको तो अग्नि देने वाला भी कोई नहीं है। तो वैसे नेता की बात नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी हैं बाल बच्चेदार, सबके परिवार भारतीय जनता पार्टी में फल फूल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जो रियान चीनी मिल है, आप हाँ जो भी चीनी मिल है, कई लोग उद्योग धंधे यहाँ पे पनपते थे, कई लोग बेरोजगार हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा है 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वहीं अगर बात कर ली जाए तो 9वीं फेल है लगातार, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो हवाला देते हैं 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। अगर इंद्रजीत जी यहाँ से जीतते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है, तो सबसे पहला काम चीनी मिल खुलेगा? नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन तो आप कर ही रहे हैं। आंदोलन तो पिछले 20 साल से हम कर रहे हैं, जब से राजनीति में हैं, लेकिन हम रोजगार देंगे। दूसरी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की जानकारी है हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के अंदर हम लोग 5,000 परिवारों को रोजगार देने का
वादा कर चुके हैं बीएसपी की जनता से और वो हम करेंगे। फैक्ट्री बन के तैयार है यही बगल में। तस्वीर बदलेगी जरूर, बिल्कुल 100% बदलेगी। हमारा जिस हिसाब से लॉकडाउन के अंदर जो मैंने देखा कि बिहार के लोग पैदल चल के भूखे रोड पे मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई रेलगाड़ी में कट के मर रहा है, उसी दिन हमने प्रतिज्ञा किया था कि बिहार से पलायन रोकना है और इसकी शुरुआत किसी को तो करनी होगी, तो क्यों नहीं हम करके दिखाएंगे ताकि दूसरे आदमी का हौसला बुलंद होगा। कल सुने हैं तेज नीतीश कुमार जी बोले इमोशनल कार्ड खेले के अंतिम मौका हमको दे दीजिए, अंत भला तो सब भला। अंतिम मौका तो उनको अब कब्र में जाने का टाइम हो गया है, वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 साल कितनी हो गई, 150 हो गया। 15 साल लालू जी को 150 दे दिया, फैयाज अहमद को 100 दे दिया, जनता ने पूरी अपनी आधी लाइफ इन दो नेताओं तीन नेताओं को दे दिया यहाँ पे, अब क्या चाहिए। बीजेपी बच्चा जी कोई हरिभूषण है, पहले विधायक रहे उनको साइड टिकट। बच्चा जी नहीं है, हरिभूषण ठाकुर है। हाँ, उनको मौका। वो वही है जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता को पटना में पीटा था दौड़ा दौड़ा के, वही है। हाँ, ये वही है, जाके वहाँ हमला किए थे तो। हाँ, देखे थे ना, टूट गया था, वही है। नहीं नहीं, ये हाथ तोड़े थे, हाथ तोड़े थे। अच्छा, एक चीज़ और है सर, काफ़ी जो आप मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दे पे आते हैं, जो लगातार जो स्कूल जो फीस बढ़ोतरी करता था उसको लेके आपने आंदोलन किया था, लेकिन उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से, हमने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ जो हल्ला बोला आंदोलन किया था, सरकार को झुकाया था, कानून पास कराया है, अब बारी है धरती पे उसको लागू कराने की। तो इस चुनाव के बाद वही आंदोलन हमारा फिर से रहेगा और हर एक बिहार की जनता को भारतीय मित्र पार्टी का एक लक्ष्य है कि कैसे उसको हम फायदा पहुंचवाएं। लोग चाहते थे कि और उम्मीदवार आप खड़े करें। बिल्कुल, 243 सीटों पे हमारी तैयारी थी। देख लीजिए, मैंने खुला चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी को, आइए मधुबनी में स्वागत करूंगा। आए मधुबनी में, पूरे बिहार में दौरा किया, लेकिन मधुबनी में नरेंद्र मोदी की हिम्मत पड़ी, देश के प्रधानमंत्री हैं। सोशल मीडिया में आप बहुत लोकप्रिय हैं। अब ये मैं तो, खैर ये तो देश की जनता की, नहीं, जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। अगर अन्य नेताओं के मंत्रियों की फॉलोवर्स की बात कर ली जाए या व्यूअर्स की बात कर ली जाए तो आपके जो वीडियो हैं लाखों करोड़ों में चले जाते हैं, तो आखिर जनता सुनना पसंद करती है, तब ना इस आस में चाहती थी कि विधानसभा चुनाव। जी, इसी का खामियाजा भारतीय मित्र पार्टी को भुगतना पड़ रहा है ना, जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक अध्यक्ष पद को लेके चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया कि पहले आप संगठन का चुनाव कराइए फिर आप चुनाव में आइए। तो इसीलिए हमको सिंगल सीट, अब संगठन का चुनाव कराएंगे तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि चलो एक सीट पे फाइट करते हैं, उसके बाद संगठन का चुनाव होगा। अब ये चुनाव खत्म हो रहा है, 20 दिन के अंदर संगठन का चुनाव करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर तैयारी रहेगी लोकसभा के लिए। अगली बार आर पार की लड़ाई रहेगी, अगली बार 2025 के अंदर भारतीय मित्र पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इंद्रजीत महतो रहेगा, ये आपको मैं फाइनल डिसीजन आज बता रहा हूँ। देखिए, ये थे धनेश्वर महतो जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2025 में जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन गरीब के मुद्दों को लेके लगातार आंदोलन सड़क पर जारी रहेगा। रोहित यादव, न्यूज नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।